ये है मेरा दुख, पानी कम लगाया ना तो ये शेप बनी नहीं। तुम फिर ये मार रही हो, तो क्या मार, वापस तोड़ो, एक निकालो, वापस निकालो एक, मैं तुम्हें कह रही हूँ। सुना सुना, ये नीचे से हार्ड हो जाता है, नहीं कुछ होता इसको। जब पानी कम लगाओ तो शेप बनती नहीं है, जरा सा ज्यादा कर दो तो टूटती नहीं है। ऐसा अब सारे कहेंगे कितना पानी डालना था, ये तो बताया ही नहीं, मुझे बाद में याद आया। बस इतना कि इसको लगे पानी डाला है, पर पानी हो ना ऐसा ही हो, ऐसा। तुम फिर मार रही हो, मैंने यही तुम्हारे मुंह पे मार दिया। नहीं मारा, कीप योर माउथ शट। सेम, ये मार के ऊपर से वो टूट रहे हैं, तो क्या मारूं फिर? हाथ ये किस लिए दिए हैं अल्लाह ने? लो दो, अभी मुझे 5 किलो चढ़वाए हैं। तुमने कहा आधे में नीचे रखा ही हूँ तुम लोगों के लिए। सूखी रोटियाँ बेच लो, कौन कौन सूखी रोटियाँ बेचता है जरा कमेंट में बताएं। हम तो नहीं बेचते, हम ज़ाया नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं याद कि हमने कभी सूखी रोटियाँ बेचने गए हों। शानपुरा भी बेचते हैं लोग, हम शानपुरा भी नहीं देते, चूड़ी पर बस होता नहीं है। हम निकालते ही नहीं है, वो गंदम का छिलका ही होता है, वो निकाल दिया तो पीछे बचा ही क्या है। सब मिक्स खाते हैं हम, क्योंकि हमारी अपनी गंदम होती है, हम खुद पिसवाते हैं आटा, इसीलिए हम सब खाते हैं। फाइन पिसा होता है, इस बार भी फाइन था। जिनका मोटी चक्की से पीसता है वो छानते होंगे शायद, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है ज़्यादा। ये इसका ये उतार दे, ये देख सारा इधर निकल जा रहा है, कि ये उतार के क्या करूँ, तो ये पानी डालने के लिए रखा हुआ है ये, तो इसकी ये क्यों ना रही है फिर? मैंने कहा शायद ये इसको रास आ जाए, जो दे सारा बाहर आ गया तो इसको इधर कर लो ना, रोने लग गई हो। ये लो, मामा क्या कर रही है नीचे? मामा नीचे मुझे कहानियाँ सुना रही है। कौन सी कहानियाँ? चल बस, इसको बहुत प्यार चाहिए, कहता है ज़रा ज़रा टच में, हौली हौली। तुम्हारी सेटिंग खत्म नहीं होनी है, आज के दिन काट लोगी? घंटा हो गया इसको, जब से आई है ना जोड़ ही गई है इंटे पकड़ पकड़ के। बस मैं जाऊं दूसरा टेक्सचर बनाने, ये बना लोगी? जाओ जी। इसके ऊपर अगर तुमने ये मारा ना तो देखना, हाथ से बनाना, बीच में चाय डाल लो, फिर अपना लोशन देगी। जैसे तुम तो लेती नहीं हो ना अपना लोशन, कितनी तुम बदतमीज हो। अपना लोशन देगी, यही तो मैं कह रही हूँ, ये टेक्सचर बहुत दुखी करता है। एदी लस्सी बना पी ले, तू पी ले, तू तो है भी पी ले। आई डोंट लाइक दिस। जूस बना ले। जूस जूस तो पसंद है मुझे। ये जी मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड की थी, सो ये टप उल्टा करके पड़ा है यहाँ, इसके चंक्स बनेंगे बड़े बड़े, पर ये बाद में उठाएगा कौन? या फोन पकड़िया इसको आके हिला जला। वेट अ मिनट, कैसे हिलाना है? हिलाओ आके,
ये भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो वाली भी की है, और वो कल शेप्स बनाई थी। बस इन्ने की दुनिया, इन्ने की टेक्सचर है। अब कैसे बस ऐसे इसको पीछे करूं, कैसे करूं? तुम बीच में आ गई हो पूरी, दफा जाओ। ये इसको इधर से पकड़ो ना, ऐसे। हाँ, जितना निकलता सारा बाहर उठा लो, टूट छूट जाना ये। पीछे और पैर, पीछे ब्रश फेरूं, वो ब्रश लेकर आ। इधर भी ये ब्रश फेर के गंद इकट्ठा कर दो। उधर ना करो, ये वो तो टेक्सचर पड़ा है, वो टेक्सचर इधर कोई वापस कर दो। चल ये आया हमारा पारा शहजादा। आए बनो, जिसके पास ये है ना बिल्लू उसका है। उधर ले जाए इसको। चल उठा, तार क्यों रही है? टूट जाएगा तो टूट जाए, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? छोड़ दे इधर ही, चाहे ऐसे तोड़ दिया ना। तोड़ दिया, अलग हो गया। देख ये ले, ये बचेंगे, बचेंगे। ये लो, कोई बात नहीं, इतने के ये भी था। इसको धूप कैसे आएगी? जब थोड़े सूखेंगे तब उठा के धूप में रख लेंगे। रखो तो सही है, जब मुझे लगता है अभी टूट फूट जाने हैं, क्योंकि जमीन ऊंची नहीं थी ना, तो ये भी ऊंची नहीं थी। जिधर का वजन ज्यादा होगा उधर को चले जाएंगे। जब टूटेंगे तो पानी डाल। ये भी था, बाकी टेक्सचर की शेप्स बनवा देती हूँ। ये टेक्सचर बड़ा मजे का बन गया है, कैसे बना वो बताऊँ? बनाना नहीं था, ये गलती से बन गया। ये लो, मेरे सारे टेक्सचर ही एक्सीडेंट है बस। और कोई हाय हाय, और उनको मजे का बनाने के लिए पीछे मेरा दिमाग है बस। और क्या, ये चल रही चुरपुर है हुनरमंद। हाँ, कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है मेरा जो किसी को पसंद ना हो। सारे ही पसंद है। वो कहते हैं ना, ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए, ऐसा टेक्सचर ही नहीं रखते जो पसंद ना हो। उस टेक्सचर को ही उठा के फेंक दूंगी जो नहीं पसंद होगा। हाय हाय, इस टेक्सचर की दास्तान भी बहुत लंबी है। ये जो ईंटें नज़र आ रही हैं ना, ये वाली, ये जो पड़ी हैं दीवार के आगे अलग से, ये समझ ले यहाँ पे दीवार थी एक एक्स्ट्रा। उस दीवार को हमने तोड़ा क्योंकि हमें जगह चाहिए थी। उसको हमने तोड़ा, फिर ईंटें जो है ना उनके साथ जो सीमेंट होता है उसकी वजह से ईंटें सही जुड़ती नहीं थी, नीचे नीचे गिर रही थी। फिर हमें वो कहते हैं जिसको ईंटें छांटना के पनी क्या कहते हैं, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। फिर हमने तोसियाँ हथौड़ियाँ ले गए उसके ऊपर से सारा वो सीमेंट सैंड उतारा जिसकी जो जोड़ने दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं साथ साथ। फिर वो उतार के हमने यहाँ साइड पर ढेर लगाया, वो ढेर इतना बड़ा हो गया हमें समझ नहीं आई इसको हम छत से ऊपर से नीचे लेके कैसे जाएं और बाहर कहाँ फेंकें, कैसे फेंकें। फिर हमने उसको अलग अलग किया, जो टूटे हुए ब्रिक्स के पीसेस थे वो अलग किए और सैंड सीमेंट वाले पीस अलग किए सारे। फिर हमने उसको दोबारा थोड़ी से ले थोड़ी और इंडा पीस पीस के इस
इस कंडीशन में लाया। फिर इतने कोई स्टोन बड़े हैं कोई छोटे हैं, फिर इतने इतने स्टोन बन गए और उसमें हमने सैंड मिक्स किया क्योंकि ये बाइंड हो जाए, बस और कुछ भी नहीं किया। सीमेंट ऐड किया थोड़ा सा सैंड के साथ। सीमेंट जब भी किसी टेक्सचर में ऐड करना होता है तो एकदम से सारा सीमेंट ऐड नहीं करते, ड्राई टेक्सचर में सीमेंट ऐड करना है पहली बात, दूसरा एक ही बार में ज़्यादा सारा ऐड नहीं करना, एक बार थोड़ा सा ऐड करके देख ले अंदाजे के मुताबिक उसकी शेप बनाएं। जब उसकी क्रम्बलिंग करेंगे अगर तो वो ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो और सीमेंट ऐड कर लें, हार्ड लगे तो बस फिर उतना ही बहुत है। ऐसे ऐड करते हैं सीमेंट क्योंकि अब हमें तो अंदाज़ा नहीं है ना कि ये हम इसको कैसे नापें, एक बाउल है दो बाउल हैं कितने हैं क्या है, इसीलिए जब भी मैं आपको नहीं बता सकती कि इसमें कितना सीमेंट मैंने डाला था, मैं इसी तरह डालती हूँ। ड्राई टेक्सचर में सीमेंट डालें और उसको सिफ्ट करके डालें, टेक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद उसमें पानी डालें। गीले टेक्सचर में कभी भी सीमेंट ना डालें, वो उधर ही हार्ड हो जाता है। और ये जो मैं अभी पर्ली सैंड की बात कर रही थी, अभी बैठे बैठे मैंने सोचा है अगर कोई बनाना चाहता है ना तो वो इसी तरह वाइट सीमेंट से बना ले, जैसे ये बने हैं ना, वाइट सीमेंट लें उनमें उसमें पानी डालें और उसे यूं यूं करें और उसे किसी मोटी छानने की मदद से या किसी बड़ी बास्केट जिसमें सुराख थोड़े ज़्यादा हों बड़े हों उसकी मदद से उसे शिफ्ट कर लें तो वाइट सीमेंट से भी इस तरह बन जाएंगे। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर वाइट स्टोन सबसे आसान हल है, चाहिए तो क्रंची ना, इतना खपने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने वैसे सारे जितने भी मेरे टेक्सचर हैं ना मैंने सारे ही खप के ही बनाए हैं, कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है जो मैंने आराम सुकून से बन गया हो, और सब में मेरे बहन भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब ने मिल के दिन रात चट्टे मट्टे कूटे, सारे आसपास के लोग देखते होते हैं ये क्या कर रहे हैं छत पे, कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है जो लहसुन अदरक कूटते हैं। हाँ तो थोड़ा कूटा हमने, क्या नहीं कूटा, ये इतना बारीक सीमेंट ये कूटना आसान है इस शेप में लाना। इसका भी ट्यूटोरियल वो आप मांग रही थी क्या, मुस्कान, बना दूंगी मैं इसका भी, लेकिन इसका भी मैंने एक सब्स्टिट्यूट सोचा है, इस जितना आपने ये बनाना है उसके बदले में ये स्टोन क्रश ही ले लो। जैसे ये मेरा येलो, ये है तो येलो है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करो जब तब ये इसको पता नहीं क्या तकलीफ उठती है, उसमें वाइट सा ब्लैक सा ही आता है इसका कलर, कभी वाइट कभी ब्लैक, जैसी रोशनी हो रोशनी की वजह से कलर चेंज हो जाते हैं, जिस दिन मौसम ख़राब होता है उस दिन अंधेरा अंधेरा लगता है, जिस दिन मौसम थोड़ा ठीक होता है उस दिन थोड़ा कलर और ठीक हो जाता है, रोशनी पर भी डिपेंड करता है कि ब्राइटनेस कितनी आ रही है। मेरा मोबाइल धूप में रखा हुआ है, ये मेरा फ़ोन, आप पूछ रहे थे कौन सा माइक है, हाथ मेरे गंदे हैं, छाँव में करके दिखा दूँ, छाँव कहाँ से लाऊँ, छाँव नहीं मिल रही। ये इसका ये जो है ना माइक स्पीकर कह लें जो भी कह लें, ये पीछे की साइड पे है तो जब ऐसे मैं सेट करती हूँ इसे तो फिर इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो बिल्कुल वीडियो के ऊपर आता है, बस मैं इसी से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं इस फ़ोन को माइक नहीं लगाती। इसमें माइक जो है ना इसका ये जो हैंड फ्रीज पोर्ट है स्लॉट है ये पता नहीं क्या होता है, हिल जाता है माइक और उसमें कोई भी वीडियो की आवाज़ आती ही नहीं है, उससे अच्छा मैं लगाती ही नहीं। मेरी शुरू शुरू में बहुत सारी वीडियो जिस तरह ज़ाया हुई थी, मेरे पास माइक है लेकिन वो लगता नहीं है मेरे फ़ोन को, कभी आवाज़ आती थी कभी नहीं आती थी तो मेरी वीडियो ज़ाया हो जाती थी, इसलिए फिर मैंने माइक को कर दिया टाटा बाय बाय और अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। और माइक तो आसपास की और ज़्यादा आवाज़ें खींचता है, फ़ोन भी मेरा बहुत खींचता है, टेक्सचर की आवाज़ चाहे आए ना आए, चार घर दूर जो कोई बोल रहा है ना, तोता मुर्गा इंसान, सारी आवाज़ें रिकॉर्ड करनी है उसमें। अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ, इस टेक्सचर का भी मैंने आपको ट्यूटोरियल का थोड़ा बता दिया, बाकी अब बाद में अगली वीडियो में।
मैं पानी शानी पी लूँ। अल्लाह हाफिज़। सांस चढ़ गया है।